क्या हाल है आपके? इस एंगल में मोटा लग रहा हूँ मैं यार, बहुत। मतलब मैं दूसरा एंगल ले रहा हूँ तो यार यहाँ पर मैं मोटा लग रहा हूँ अजीब। खैर छोड़ दो, और इस पीछे वाले ट्राई को ना इग्नोर मानना जो नया है यहाँ। तो तकरीबन 10 साल बाद एक नया व्लॉग आया है मेरे चैनल में, तो लगाया इंट्रो। तो अभी आपको शायद टाइटल से समझ आ गया होगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन हर चीज़ यहाँ तो नहीं बताई जाती। तो अभी मैं कुछ नाश्ता करूँगा, अभी थोड़ा तैयार हो जाऊँगा, फिर मैं आपको मिलता हूँ। ठीक है जी, गुड बाय, अब मिलते हैं आगे। क्या गुड बाय यार, व्लॉग बनाना भूल गया हूँ, इतने साल बाद व्लॉग बनाए। अच्छा मौसम है यार बाहर, आज मज़ा भी आएगा बाहर जाने में। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, कपड़े शपड़े पहन लिए, और अभी निकलूंगा बस। आपको अभी बस तैयार हो चुका हूँ मैं, अभी बाहर भी आ गया और अपनी गाड़ी में सामान भी रख दिया, और अब मैं खुद भी अपनी गाड़ी के अंदर। तो अभी हमने अपना सफर शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपको उस जगह की थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं। तो जिस जगह हम अभी जा रहे हैं वो जगह है अल उला। लेकिन उसके साइड में भी एक जगह है जिसका नाम है मदाइन सालेह। मदाइन सालेह तकरीबन बहुत लोगों ने सुना भी है, इस नाम ये नाम सुना है, ये जगह भी देखी है, और इस जगह की बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं इस जगह की क्या हिस्ट्री है। तो मदाइन सालेह में एक कौम रहती थी, उस कौम के बारे में इतना तो मुझे पता नहीं कि कौन सी कौम रहती थी, लेकिन नाम मुझे नहीं पता, मैं नाम बता भी नहीं सकता क्योंकि गलत हो तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना, तो इसलिए। लेकिन एक कौम रहती थी, बहुत पुरानी कौम थी। तो उस कौम का क्या था, अल्लाह ताला ने उनको इतनी ताकत दी थी, बहुत ताकत दी थी उनको, लाइक उनको एक महारत भी दी थी कि वो इतने अच्छे स्ट्रक्चर्स के घर बना सकते थे पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के अंदर वो घर बना सकते थे, और उनके बड़े लंबे लंबे कद होते थे। तो सिंपल अल्फाजों में बोला जाए तो अल्लाह ताला ने उनको इतनी ताकत दी थी, इतनी शोहरत, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी थी उनको, हर चीज़ वो दी थी, हर सहूलियात दी थी। लेकिन आगे बढ़ते गए, लेकिन फिर क्या हुआ, आगे इन्होंने शायद ना शुक्रिया किया अल्लाह की, शायद इन्होंने शुक्र नहीं किया अल्लाह का, फिर ये गुरूर में आ गए थोड़ा। तो फिर ऐसा कुछ कहानी थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं गलत बताऊँ तो गलत बात हो जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं सकता। लेकिन आखिर में क्या हुआ था कि इनमें गुरूर आ गया था, तो इन्होंने शायद जुल्म भी करना शुरू किए थे, तो फिर अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई, तो फिर अल्लाह ताला ने इन पर अज़ाब नाजल किया। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कोई भी अगर इस जगह से गुज़रे तो वो एक दुआ है वो पढ़ के गुज़रे और जल्दी से गुज़र जाए इस जगह से, कोई भी यहाँ ना ही ठहरे इस जगह में, क्योंकि इस जगह में अजाब आया था उस कौम पर। तो ये कहानी थी, अब इतनी डिटेल से मैं बता तो सकता था, लेकिन इसके लिए मुझे पढ़ना था, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने बस यही इतना मुझे पता था। तो खैर मदाइन सालेह के साइड में एक दूसरी जगह थी अल उला, तो अल उला में हम जा रहे थे।
अब रास्ते में ज़्यादा ही जा रहे हैं, और अब मैंने तो हिस्ट्री बता दी, लेकिन अब इनकी इस जगह की खासियत बात करें अल उला की, कि लोग यहाँ क्यों जाते हैं। वहाँ के रोड ऐसे थे, मतलब बड़े अजीब रोड थे, मतलब ना ही आगे पीछे मैं देखूँ, ना ही कोई गाड़ी गुजरे, क्योंकि हमने ऐसा रोड लिया था, शॉर्टकट लिया था, वो भी रोड थोड़ा ख़राब था, शॉर्टकट लिया था, तो वो रोड में चल रहे थे, तो ना ही आगे कोई था, ना ही पीछे कोई था, पूरा खाली रोड, साइड में पहाड़, डेजर्ट, कोई ना ही पेट्रोल पम्प, ना ही कुछ, ना ही कोई गाड़ी, कोई दो तीन गाड़ी मतलब 15-20 मिनट के बाद गुजरती थी, एक ही गाड़ी, दो गाड़ी ऐसे, तो मतलब बहुत अजीब इलाका था, शुरुआत में बहुत अजीब इलाका लग रहा था, लेकिन अभी तो ये दिख रहा है सिर्फ डेजर्ट और सिर्फ ऐसे आम पहाड़ दिख रहे होंगे, लेकिन आगे जाके जब व्यू होगा ना, होश उड़ा देगा तुम्हारे कसम से। तो इस जगह की जो खासियत है वो है इस जगह के पहाड़। पहाड़ पहाड़ और लेकिन ये माउंटेन के बोले जाएं, ये मतलब एक अजीब से पहाड़ है। अब यहां से मेरी एंट्री हो रही है अल उला। अब यहाँ से पहाड़, अजीब अजीब तरीके के पहाड़ शुरू हो गए यहाँ से। अब यहाँ ये पहाड़ देखें, कैमरा में इतना नज़र नहीं आ रहा होगा पहाड़, मतलब इतना साफ बोलें तो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप ख़ुद वहाँ जाएंगे, कसम से हर पहाड़ को एक अलग शेप है, मतलब कोई पहाड़ बंदर जैसा दिख रहा है, अगर किसी को समझ आ जाए कि हाँ भाई ये शक्ल किस तरीके की शक्ल है, मुझे हर शक्ल समझ आ रही थी, किस किस के दांत नज़र आ रहे थे, कि कोई ऐसा जानवर है जिसकी ऐसी चोंच है और वो ऐसे 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 दांत दिखा रहा है, किसके ऐसे दांत थे, कोई पहाड़ ऐसे भी थे जिनके नाखून बने हुए थे, मतलब ऐसे हाथ है, ऐसे हाथ तक बड़ा हुआ है और इसमें नाखून भी बने हुए हैं, मतलब पूरा एक शेप नज़र आ रहा था, हाँ भाई ये एक एक हाथ है, एक इंसान है, यहाँ पर एक इंसान भी थे, किन किन का ऐसा ये ऐसा था, ऐसे करके वो ऐसे करके गुस्से से देख रहे थे, तो ऐसा शेप आ रहा था पहाड़ का, तो मतलब अजीब तरीके के पहाड़ थे, उस जगह देख के बंदा शौक हो जाए। और मतलब मैं इस बोल रहा था कि हर पहाड़ को रिकॉर्ड करूं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन अगर आप उस जगह जाएं ना, ऐसी जगह मतलब आपने कभी किसी ने भी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा, वो ऐसी जगह है। अब आगे जाके एक और चीज़ भी दिखाता हूँ मैं, कि आगे जाके मतलब एक जगह है जहाँ बीच में
मजे की बात बताऊं, ये पहाड़ किसी इंसान ने नहीं बनाए, ये कुदरत है अल्लाह की, ये खुद बने हुए थे, ना ये इंसान ने शेप दिया हो। इंसान शेप दे सकता है पहाड़ों को, लेकिन ये इंसान ने नहीं बनाए, ये अल्लाह ताला की कुदरत है और ये खुद ऑटोमेटिक पहाड़ बने हुए हैं, ना ही इंसान ने इनको कुछ किया है। पहाड़ों के बीच में एक पार्क बना हुआ था और क्या व्यू आ रहा था। कैमरा में आपको इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, इतना जंक होगा, आप समझ लेंगे कुछ भी नहीं है ये तो, लेकिन असल आंख से अगर आप देख लेना होश हो जाएंगे, कसम से होश हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ एक जगह में रुका हुआ हूँ और कसम से अजीब सी एक फीलिंग आ रही है यहाँ अंदर, जैसे ही मैं एंटर हुआ जैसे मैं तो अजीब सी एक फीलिंग आई है कसम से, मतलब इतने अजीब पहाड़ और पहाड़ों के बीच में एक पार्क, तो अच्छा है लेकिन अजीब भी। तो यहाँ तो मैं काम के सिलसिले में आया था, वैसे तो मैं यहाँ मतलब ऐसे घूमने नहीं आया, और अभी काम मेरा बुगू था यहाँ इसलिए मैं आया, और अभी बस थोड़ा बैठा हुआ हूँ, क्या करें। लेकिन बाहर सर्दी भी है तो ये अच्छा है कि मौसम अच्छा है। ये अभी आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, मैं ऐसे वैसे मज़े से बैठा हुआ था, मैंने कहा बाहर का व्यू दिखा दिया, चेक करो यार। तो अब दूसरी चीज़ दिखाऊँ मैं इस जगह की, कि एक जगह में मतलब पहाड़ों के बीच में कोई भी अगर इनको जगह मिल जाती है तो वहाँ इन्होंने रिजॉर्ट्स बनाए हुए थे। तो एक रिजॉर्ट्स में मैं भी इन रिजॉर्ट्स में गया, तो इन रिजॉर्ट्स के रेट्स तकरीबन मुनासिब भी थे उस जगह के हिसाब से, तकरीबन 500 रियाल का एक कमरा जिसमें दो बेड्स थे। ओह माय गॉडनेस, चेक द व्यू मैन, जस्ट चेक द व्यू। जो रिजॉर्ट्स हैं ये रिजॉर्ट्स, उफ यार क्या ही रिजॉर्ट्स हैं, मतलब यार ओपी बोलते हैं ना ओपी, वैसे ये पहाड़ों के बीच में एक नई दुनिया बसी हुई है। ये खूबसूरत मंजर है यार, दिल जा रहा है बस खट रख के, खट बोलते हैं सिंधी में, मतलब खट होती है समझ रहे हो, क्या बोलते हैं यार भूल गया, खट खट ही बोलते हैं सिंधी में जिसको समझ आते हैं, दिल जा रहा है खट रख के बस सो जाओ, लेकिन ये रिजॉर्ट्स देख रहे हो ये इतने महंगे और इतने, मतलब रात का जो व्यू आता है यहाँ सोच है तो ठीक। हम तो किसी काम से आए थे, कि अगर घूमने की नियत से कोई भी आता है तो उसमें बहुत सारे लोगों ने रिजॉर्ट्स लिए थे वहाँ, तो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत मज़ा आया उस जगह में और बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे, बहुत मतलब हैरान कर दिया उस जगह ने देख देख के, मतलब तस्वीर भी नहीं करता ऐसे पहाड़ भी होंगे, पहाड़ नहीं अजीब से पत्थर थे जिसमें शिकलें बनी थी, और पता है हम रात को वहाँ ठहरे, कुछ ऐसा सीन हो गया हम रात को ठहरना पड़ा, तो हम रात को निकले थोड़े कर, रात को नज़र ही नहीं आ रहा था भाई, बस रोड में एक लाइट, बस साइड में पूरा अंधेरा, तो बस बहुत मज़ा आया।
बहुत आपको भी आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप लोगों के लिए कुछ दिनों में एक सरप्राइज आएगा। सरप्राइज सरप्राइज नहीं है, एक सरप्राइज ही है कि एक आपके लिए खुशखबरी है, मेरे लिए तो ज़्यादा है, लेकिन एक व्लॉग आएगा और उस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा वो खुशखबरी। तो एक सरप्राइज है, एक व्लॉग आएगा 2-3 दिन में, तो वो देखना मत भूलना किसी ने। तो बस आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो को इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए।